जैसा आपने थंबनेल में देखा 0 to 10 के रोड मैप, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0 to 10 के प्लानिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 4-5 स्टेज ऐसे बताऊंगा, स्टेज बताऊंगा, उनके सब स्टेज भी बताऊंगा कि जो पहला स्टेज है जो मैंने टॉपिक दिया वो मैं बोल के खत्म कर सकता था, लेकिन स्टेज दूंगा, फिर उसके सब स्टेज दूंगा कि आपने स्टेज एक डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसमें मैं सब टॉपिक दूंगा 3-4 की, आपको वो चीज़ें कैसे करनी है। तो सारी चीज़ों को आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, 4-5 जो स्टेज है उनके सब टॉपिक है वो लिख लो। ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना टाइम को भाई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक खत्म होने के बाद अगर आपको पसंद आती है वीडियो जरूर लाइक करके चले जाना। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेज है फाइंड व्हाट वर्क्स, मतलब आपके लिए कौन सी चीज काम करती है और कैसे करती है। ये हो गया मेन टॉपिक, मेन स्टेज, पहला स्टेज फाइंड व्हाट वर्क्स, आपके लिए कौन सी चीज काम करती है। अब इसके 4 सब टॉपिक है जो मैं आपको, मतलब 4 सब टॉपिक है, 4 पॉइंट बोल सकते हो, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहला है पोस्ट 1 या 2, एक दिन में आपको 1 से 2 पोस्ट करनी है। दूसरा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा है आपको नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। चौथा, आपको अपनी कंटेंट की स्टाइल और उसके मेथड को जानना है। तो ये 4 चीज़ आपको समझ आ गई कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो दिन में आपको 1-2 पोस्ट करना है। पहले क्वालिटी अगर सही नहीं है तो भी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्वांटिटी डालनी है ताकि आपको पता चले कि कौन सी फोटो आपकी काम कर रही है, कौन सी रील पे आपके व्यूज़ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद आप एक टाइम आपको फिक्स हो जाएगा तो आप अपने कंटेंट को एक अच्छे मेथड की तरफ ले जा सकते हो। कंटेंट स्टाइल को आप उसके बाद फॉलो करते जाओगे। जैसे स्टार्टिंग में आपको पता चल गया कि ये चीज़ काम कर रही है तो आपको उसके बाद उसी चीज़ में काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नई नई चीजें आपको इसीलिए एक्सपेरिमेंट करनी है क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क कर रही है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने अकाउंट में अपनी फोटोज डालूं तो मेरा पेज ग्रो कर जाएगा या मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो कर जाएगा। क्या पता अगर मैं फूड के बारे में डालूं तो वो अच्छा ग्रो कर जाए। तो आपको नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हुए जाना है जिससे आपको पता चले कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है। दूसरा है योर कंटेंट बैंक। अब इसके जो सब टॉपिक है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। आपको आपने जो नीश डिसाइड कर ली, फर्स्ट जो मैंने बताया जो वर्ड वर्क वाला, उसमें आपने नीश डिसाइड कर ली होगी कि मुझे ये चीज करनी है। अब आपको 9 ऐसी पोस्ट, अमेजिंग पोस्ट बनानी है। पहले मतलब आज पेज बनाया उसके पहले की प्लानिंग है, पेज बनाने की या अकाउंट बनाने की पहले आपको क्या करना है, 9 आपको अच्छी अच्छी पोस्ट बना लेनी है। चाहे आप पोस्ट बनाते हो, अपनी फोटो डालते हो तो आपको फोटो खिंचा लेनी है, एडिट करके रख लेनी है, 9 पोस्ट। दूसरा इसका सब टॉपिक है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। आपको कंसिस्टेंट होकर आपकी जो नीश है उसमें आपने जो 9 फोटो तैयार की उसको आपको कंसिस्टेंस, आपको जो पहला पॉइंट मैंने बताया 1-2 दिन के आपको पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। तीसरा, आपको क्या करना है कि आपने 9 पोस्ट तैयार की, पोस्ट करने लगे तो आपको बैकअप में जो 9 आपने बनाई, आप पहले आपने 9 बना ली, आज से आप शुरू कर रहे हो काम, तो 2 फोटो आपने पोस्ट कर दी तो 9 में से आपकी 2 चली गई, 7 बची आपके पास, तो आपको वापस बैकअप के लिए 3-4 फोटो वगैरह और खिंचा के रखनी है, एडिट करके रखनी है ताकि आपका कंटेंट खत्म ना हो। स्टार्टिंग में अगर आप डालोगे कंटेंट खत्म हो गया, डेली आपने 2 पोस्ट डाली 1 महीने तक, अगले महीने आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो, आपकी पोस्ट खत्म हो गई, तो एंगेजमेंट, फॉलोवर आना दूर, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तीसरा है फाइंड योर नीश। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है उससे रिलेटेड आपको अकाउंट सर्च करने और जो उनके अकाउंट है उनको फॉलो कर लेना है, उनकी पोस्ट पे जाके एंगेज करना, लाइक करना, कमेंट करना। इससे क्या होगा, उसकी जो उनकी जो ऑडियंस है उन अकाउंट की, बड़े अकाउंट की, वो आपके साथ कहीं ना कहीं मैच होने लग जाएगी क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि आप किनको फॉलो कर रहे हो, किनको लाइक कमेंट कर रहे हो, तो उनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस, ऐसा नहीं उनके 2 मिलियन है तो पूरे 2 मिलियन आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका 1-2% जो होगा उनके फीड में या उनके एक्सप्लोर सेक्शन में आपकी फोटोज वगैरह जाने लगेगी। अगर एक्सप्लोर में भेजनी है तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल में वीडियो आप ढूंढ सकते हो। उनके कमेंट में जो बड़े अकाउंट मैंने बताया उनके कमेंट में जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे वहां पे आप आंसर कर सकते हो, और उनके अगर आप आंसर करोगे तो शायद पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि वो वाले जो कमेंट वाले बंदे थे वो आपके अकाउंट को आके फॉलो कर लें, क्योंकि उनको भी उसी नीश में इंटरेस्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो, और जिनको आपने फॉलो किया वो जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो, आपके दोनों का काम सेम है, तो जो उनको बंदे फॉलो करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, शायद आपको भी वो फॉलो कर ले और आपका कंटेंट भी उनको अच्छा लगने लगे। अगला जो पॉइंट है, अगला जो स्टेज है वो है कीप मोमेंटम। अब बात आती है, आप चौथे स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपने स्टार्टिंग से जो चीजें की थी गलतियां, जो मैंने बताया था कि आपको क्वालिटी के ऊपर तो ध्यान नहीं देना है, अब आपको अपनी नीश में क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि ऑडियंस आने लग गई है, आपका जो एंगेजमेंट था बढ़ने लग गया है, फॉलोवर थोड़े बढ़ने लग गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना है। इसके साथ साथ आपके कमेंट में और डीएम में जो रिप्लाई आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, जो स्टोरी पर रिप्लाई आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, उनका भी आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई देना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी कम्युनिटी में है, मतलब जो भी आपकी स्टोरीज वगैरह देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है या किसी से बात करनी है तो आप लोगों के साथ एंगेज भी कर सकते हो, आप सामने से भी मैसेज कर सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी स्टोरीज में डाल सकते हो। तो अगर वो स्टोरीज में डालेगा और उनके जो फॉलोवर है, जैसे मैंने डाला आपके अकाउंट का, तो मेरे जो फॉलोवर है उनमें से अगर आपका अकाउंट किसी को पसंद आता है तो वो भी जाके आपको फॉलो कर सकता है। तो ये आपको कीप मोमेंटम रखना है, मतलब रिप्लाई हो गया, मैसेज हो गया, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट हो गया, रिप्लाई हो गया, कमेंट का रिप्लाई हो गया, डीएम का रिप्लाई हो गया, अपनी क्वालिटी को आपको बढ़ाते जाना टाइम टू टाइम। तो ये वाली आती है चीज़ें फोर्थ स्टेज में। तो मैंने फर्स्ट स्टेज से लेकर फोर्थ तक आपको जो समझाया, आप एक बार शुरू से वीडियो को वापस देख लेना, अगर कुछ चीज़ें छूट गई आप नहीं लिख पाए हो, तो ये 10K तक का रोड मैप है जो अगर आप चीज़ें करते हो। अब इसको गलत मत लेना कि आज आपने ये चीज़ें शुरू की तो 10-15 दिन बाद आपके 10K हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें धीरे धीरे काम करती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में,
इंस्टाग्राम को समझने में कि आप चीज़ करना क्या चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू चालू रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ज़िंदगी में आपके 10,000 फॉलोवर छोड़ो, आपके 10 फॉलोवर भी नहीं होंगे अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हो तो। और इंस्टाग्राम नहीं है कहीं पर भी, अगर आपको कोई भी चीज़ ग्रो करनी, चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो पसंद आई है, आपके काम आइए, तो वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।